हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है, कल हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट वन के अनुसार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल थर्ड पार्ट टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। चलिए, क्या आपको ये विजिबल है, एक बार यस या नो में आंसर दे दें बोलकर। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमें फॉलोअप कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी। दीज आर द लिंक्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय यू, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो। आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो कि स्पेसिफाइड है इन पार्ट टू शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसका फॉर्मेट एज पर गिवन है सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 में, डेटेड ऑन 2 जुलाई 2013 ऑनवर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें इसको फॉलो करना है। और आपको बता दूं कि जो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो बनाया जाता है इन द वर्टिकल फॉर्मेट, जस्ट लाइक द बैलेंस शीट। जैसे कि हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया था, वैसे ही इस फॉर्मेट को भी हम लोग तैयार करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है ये। चलिए, इसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। यहां पर हम कंपनी का नाम डालेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। सपोज विक्रम विजय लिमिटेड कंपनी है हमारी, तो उसमें जो है हम एक्सट्रैक्ट ऑफ विक्रम विजय लिमिटेड कंपनी कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान रखिएगा ये ईयर एंडेड बनता है। एज यू नो दैट द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज एट, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, एज एट बनाई जाती है, जबकि ये कब बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडेड। रीजन बीइंग, ये हम एक साल के अंत में बनाते हैं और ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनता है जो कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट जो है वो पार्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर बनता है, इसलिए हम उसको एज एट लिख कर चलते हैं। दो ईयर्स के डाटाज को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। दो ईयर्स के डाटाज में अगर बात करें तो एक तो हमारा रिपोर्टिंग करंट रिपोर्टिंग पीरियड होता है, दूसरा हमारा प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड होता है, ताकि हम इजिली कंपैरिजन कर सकें। ये एक कॉलम नोट नंबर का होता है, एक कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का होता है। टोटल मिलाकर चार कॉलम हम बनाते हैं, पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स। अमाउंट हम रुपीज में लिख देंगे, जो भी डिनोमिनेशन है, कॉमन डिनोमिनेशन जो भी है उसको हम यहाँ फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन हेडिंग की। फर्स्ट वन हेडिंग है हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स, नेट सेल्स। सेकेंड है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम में हम और जो ऑपरेशनल के अलावा जो इनकम्स हमारे पास आती है कंपनी के अंदर, हम उन इनकम्स को शामिल करके चलते हैं, जैसे डिविडेंड है, रेंट है या इंटरेस्ट है, इस प्रकार की जो इनकम्स हैं वो अदर इनकम का पार्ट मानते हैं। थर्ड वन है टोटल रिवेन्यू। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू बन जाता है। इसको हम याद करने के लिए एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, ROT। ई मैंने जो है अपना नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ जोड़ लिया है, ताकि पूरा वर्ड बन सके। जैसे कि आपको पता है, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को जानना बहुत जरूरी होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं। तो ये उनकी एक रोटी का काम करता है, ये उनकी एक रोटी का काम करता है। तो ROTE को आप रोटी पढ़ सकते हैं, जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, बेसिकली टोटल रिवेन्यू बन जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में यदि हम पढ़ें तो हम CPCEFDO, ये एक वर्ड याद रख सकते हैं, CP कनॉट प्लेस, CEFDO, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इनके पहले पहले अक्षर मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको ये जो हेडिंग्स हैं, सेवन हेडिंग्स हैं एक्सपेंसेस की, वो याद हो सके। हमारे से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, इस पार्टिकुलर टॉपिक में से पूछा जाएगा। हम हर एक हेडिंग को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन करके। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या शामिल होता है, अदर इनकम में क्या क्या शामिल करते हैं, टोटल रिवेन्यू में दोनों को जोड़कर क्या बन आता है हमारे सामने, और एक्सपेंसिस में जो हेडिंग हम लिख रहे हमने लिखी है, पहली हेडिंग जैसे C4, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में हम क्या शामिल करते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में हम क्या लेके चलते हैं, इम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनमें क्या क्या हम शामिल करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, F4 फाइनेंस कॉस्ट,
डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस में क्या क्या शामिल करते हैं एंड अदर एक्सपेंसिस. दीज आर द सेवन सब हेडिंग्स यू कैन से इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ द एक्सपेंसिस साइड. जो एक्सपेंसिस होते हैं उसकी ये सात एक प्रकार से सब हेडिंग्स मानी जा सकती हैं. इनको हम फिर नीचे जो है आकर क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं. टोटल एक्सपेंसिस, टोटल रिवेन्यू से यदि टोटल एक्सपेंसिस को हम लेस कर दें तो हमारे पास निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ एलिमेंट बन जाता है यहाँ पर. तो इस तरीके से हम अगर देखें तो पांच हेडिंग हमने क्या क्या डिस्कस की. पहली हेडिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी हमारी अदर इनकम, तीसरी हमारी टोटल रिवेन्यू, फोर्थ वन हमारा एक्सपेंसिस. एक्सपेंसिस को हमने नीचे आके टोटल कर लिया और टोटल एक्सपेंसिस को टोटल रिवेन्यू से माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. सिक्स्थ पॉइंट में हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स. क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे. दैट विल बी लेस फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वी विल गेट द सिक्स सेवन्थ वन हेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिफ्थ माइनस में सिक्स्थ, एंड दिस इज अवर सिक्स्थ पॉइंट डिडक्टिंग टैक्स. आइए देखते हैं वन बाय वन हेडिंग्स को इनके नोट्स टू अकाउंट्स के साथ. पहला पॉइंट है नोट्स टू अकाउंट्स रिगार्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और उसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जैसे कि हमने देखा था क्या होता है, ये आइए चेक करते हैं. इट इज रिवेन्यू अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. इट विल बी शोन इन टू नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज. इसको हम बेसिकली नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, और ये बैलेंस शीट के ये जो पार्टिकुलरली हमारा रिवेन्यू होता है जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उनसे हम इनको जनरेट करते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली बिजनेस में तीन प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम प्राप्त करते हैं दैट इज टू बी नोन एज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स बेसिकली इंक्लूडेड बोथ द एलिमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. ये ग्रोस होता है हमारे पास, इसमें से हम लेस करते हैं सॉरी रिटर्न्स. रिटर्न्स लेस करने के बाद जो आता है हमारे पास उसे बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट. तो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज नेट हम इसमें शामिल कर लेते हैं. साथ ही साथ अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज सच एज सेल ऑफ स्क्रैप. कई बार हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्ट जो है ना एक्यूरेट क्वालिटी, एग्जैक्ट क्वालिटी का नहीं बन पाता, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, तो उसको हम एज से स्क्रैप के तौर पे हम सेल कर देते हैं, तो वो भी हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाता है. या नोट करने की बात यह है कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, ये हमारा बेसिकली आप कह सकते हैं जो है ना इंपॉर्टेंट नोट है. हमसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है इस कंडीशन में कि भाई एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या शामिल किया जाता है. दीज ऑल थिंग्स व्हाट वी हैव इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द हेडिंग ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ओनली. ये हमने नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बात की है बेटा. नॉन फाइनेंसिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिनका काम या तो मैन्युफैक्चरिंग का होता है या ट्रेडिंग का होता है या प्रोडक्शन का होता है, वो फाइनेंस में डील नहीं करती है. तो फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो फाइनेंस में डील करती है. उनके लिए हम बात करें कि कौन सी इनकम बेसिकली जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्रीट की जाएगी, तो उसमें हम इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, दीज आर टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द फाइनेंशियल कंपनी. एंड अदर इनकम, अगर हम बात करते हैं अदर इनकम, एंड अदर इनकम इज द रिवेन्यू दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, इट शैल बी क्लासिफाइड एज. और बिजनेस के लिए जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, उनके लिए यदि हम बात करें अदर इनकम की, तो हम अदर इनकम में क्या शामिल करके चलते हैं, इंटरेस्ट इनकम जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्नड हो सकता है, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर नेट गेन बचता है तो, और इफ इट इज ए नेट लॉस देन द सेम विल बी क्लासिफाइड अंडर द अदर एक्सपेंसिस हेडिंग. अगर लॉस आ जाता है तो हम उसको अदर एक्सपेंसिस हेडिंग में डाल देते हैं. अदर इनकम में और हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स लाइक न्यूज़पेपर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एटसेट्रा, दीज आर द पार्ट ऑफ अदर इनकम. ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिकुलर पॉइंट हमने फाइनेंसिंग कंपनी में जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड और ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो ऑपरेशंस है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंसिडर किए जाएंगे.
आरएफओ जिसको आप बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर यही बातें हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग या नॉन फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए अगर डिस्कस करें तो दीज आर टू बी ट्रीटेड अंडर द अदर इनकम हेड, अदर इनकम में हम इनको शामिल करके चलेंगे। और अगर बात की जाए कि भाई फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है उनके लिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैसी इनकम है, तो ध्यान रखिएगा फिक्स एसेट्स में जो है ना कंपनी डील नहीं करती है, वो उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो उसका सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको हम अदर इनकम में ट्रीट करते हैं फॉर द फाइनेंसिंग कंपनी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कैसी इनकम मानी जाती है, अदर इनकम मानी जाती है। रिफंड ऑफ टैक्स है वो कैसी इनकम मानी जाती है, अदर इनकम मानी जाती है, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, ये जो है उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उसकी उसके ऑपरेशंस में इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए हम इनको उनके लिए क्या मानते हैं, इनको हम उनके लिए मानते हैं अदर इनकम। एक एग्जांपल हम देखते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन, आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट दिए हैं ये कंपनी के, यदि कंपनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उनके लिए किस मेजर हेड में दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, तो ये कहां जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इसको हम शो करते हैं। दूसरा है सेल ऑफ स्क्रैप, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम, इसको हम अदर इनकम का पार्ट मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। इंटरेस्ट अर्न, ये भी कैसा है, अदर इनकम का पार्ट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अर्न किया गया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दीज आर ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज अदर इनकम, ये अदर इनकम मानी जाती है। वेरी गुड, नेक्स्ट है अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन, आपको बताना यह है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो है ना मेजर हेड में बताने हैं कि उनके मेजर हेड कौन कौन से हैं। इट मींस कि कौन सा उसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में शामिल किया जाता है और कौन सा उसके अदर इनकम में शामिल किया जाता है, आपको ये डिस्कशन यहाँ पर करना है, अदर इनकम में शामिल किया जाता है, ये आपको यहाँ बताना है। आइए, डिविडेंड रिसीव्ड, बताइए कहाँ आता है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ट्रीट किया जाता है, फाइनेंशियल कंपनी का काम यही है। इंटरेस्ट अर्न्ड, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसका काम ही यही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि अगर फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या मानी जाएगी, अदर इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। And what about the refund of income tax? That is also to be treated as other income for the financing company. So I hope आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट हेडिंग पर। हमने जो डिस्कस किया अब तक, हमने डिस्कस किया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रिवेन्यू बन जाएगा। आइए अब हम एक्सपेंसिस हेडिंग को डिस्कस करेंगे और एक्सपेंसिस में हमारा पहला पॉइंट रहेगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम एक्सपेंसेस के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें क्या बताता है कि जो रॉ मेटेरियल है उसकी कंजम्पशन कितनी हुई, उसकी कंजम्पशन की जो कंज्यूम्ड हुआ उसकी कॉस्ट कितनी आई, इसके बारे में हमें बताता है। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड मीन कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल एंड अदर मेटीरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, इट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, दैट इज टू बी टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नोट, मटेरियल में सच एज स्टोर्स, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा विच डू नॉट एंटर फिजिकली इन टू द composition of finished goods product are excluded from the raw materials and hence are shown under the other expenses heading. तो इनको हम other expenses heading में show करके चलते हैं, किन किन को, store, fuel, spare parts, इस पे अगर कोई खर्चा हमने किया है तो these are to be
treated as other expenses. They are not directly, because they are not directly entered into the manufacturing of the goods, that's why they are not to be considered under the raw materials. Example dekhte hain for better understanding. Compute cost of material consumed from the following. Hamare paas hai inventory of material on 1st April 2017, inventory of material on 31st March 2018, purchase of material, return of material purchase. तो हमने फॉर्मूला देखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस नेट माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लेते हैं. ये परचेजेस ऑफ मटेरियल नेट लेंगे आप यहाँ पर. नेट का मतलब है जिसमें से आपने रिटर्न्स माइनस कर रखी हो, तो नेट माना जाएगा यहाँ पर. तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे. हमारे पास है परचेजेस, परचेजेस को प्लस कर लेंगे किसके साथ, ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ. और परचेजेस कौन सी प्लस हो जाएगी, जिसमें से 40,000 रुपए की रिटर्न हमने माइनस कर रखी हो. इट मीन्स 20 लाख में से 40,000 घटाने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी 19,60,000 रुपए. 19,60,000 रुपए की अमाउंट में हम लोग जोड़ लेंगे 4 लाख रुपए हमारा परचेजेस जो है ना ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, इसको आप यहाँ प्लस करके रखें. और प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 23,60,000 रुपए. 23,60,000 में से क्या माइनस कर देंगे आप, 4,60,000 रुपए ये हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 लाख रुपए. 23 में से 4 गए 9, 19 लाख रुपए हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट जो हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक्सपेंसेस के साथ, दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग. जब हम बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की, तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली जो है गुड्स खरीद रहे हैं किस पर्पज के लिए, रीसेल करने के पर्पज के लिए. इन केस द कंपनी कैरीज आउट द फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज्ड, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, द केस ऑफ कंपनीज कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज, दे आर नॉट टू बी क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इट मीन्स अगर कंपनी खरीदे गए सामान को आगे फर्दर प्रोसेस करके नया मटेरियल तैयार करती है, नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक में शामिल नहीं करेंगे. बट दैट इज टू बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि वो एक प्रकार का रॉ मटेरियल होगा उस कंपनी के लिए. लाइकवाइज इफ एनी सेमी फिनिश्ड गुड्स और मटेरियल आर परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रादर देन एज स्टॉक इन ट्रेड. तो उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में शामिल करेंगे बजाय स्टॉक इन ट्रेड का. स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स, बनी बनाई प्रोडक्ट जिसको केवल बेचना है हमें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. दिस विल बी शोन एज फॉलो, जिसको हम इस तरीके से निकालते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, opening inventory of work in progress less closing inventory of work in progress, opening inventory of stock in trade less closing inventory of stock in trade. agar yahan kahin raw material aa jaye to usko shamil nahi karenge, because of we have already calculated the cost of material consumed and we have used the raw material there only. so here we will not use the raw materials. jo tino ko jod denge to that will become the change in inventory. note kare नेट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज चेंज इन इन्वेंट्री. नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. जब हम बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की, तो हम बात करते हैं केवल फिनिश्ड गुड्स की, जो बनी बनाए प्रोडक्ट है जिनको केवल बेचना है, किसमें केवल वही चीज शामिल करेंगे. यदि कंपनी ने कोई गुड्स परचेज की है और उसका फर्दर यूज किया जाएगा कोई नया प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड में शामिल नहीं करते, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन में शामिल किया जाएगा. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो उसको वहां पर इंक्लूड करेंगे. और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि इनमें हमें चेंजेस निकालने, इनके ओपनिंग बैलेंस हमें मिलेंगे, इनके ओपनिंग बैलेंस हमें मिलेंगे और इनके क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेंगे. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो चेंज कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास, क्या निकल कर आएगा, चेंज. तो उस चेंज को निकालने का ये फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. किन किन आइटम्स के हम केवल चेंज निकालते हैं, फिनिश गुड्स के,
वर्क इन प्रोग्रेस के और स्टॉक इन ट्रेड के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं। तो इन तीनों का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, समझने के पर्पस से, एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगेंस्ट चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री में आप देखिए, ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको आप यहाँ पर ले आएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री को, यहाँ पर ये ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इन दोनों में चेंज करेंगे, फिनिश गुड्स में चेंज देखने के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिफरेंस आ गया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का आप डिफरेंस लिख लें। वर्क इन प्रोग्रेस 5,000, 5 लाख और 6 लाख, इनका डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास 1,00,000 रुपए का। तो इसको नेगेटिवली आप ब्रैकेट में लिख दें बताने के लिए कि नेगेटिव बैलेंस है, ब्रैकेट क्लोज। स्टॉक इन ट्रेड 8 लाख माइनस में 7,30,000, 70,000 रुपए हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। और सबसे आखिरी में क्या दिया है, मटेरियल, मटेरियल को हमने पहले ही यूज कर लिया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन में, तो इसको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। इट विल नॉट टू बी यूटिलाइज्ड हियर टू कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसको हटा देंगे। तो टोटल नेट डिफरेंस कितना आया, 30,000, 30,000 इज ए पॉजिटिव बैलेंस, तो दैट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन इन्वेंट्री, इसको हम चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। इम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है इम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। इम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस की अगर बात की जाए तो वो खर्चे जो कि इम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, उसके उसके वेलफेयर मतलब उसके गुडनेस के लिए उसकी हम ये खर्चे करते हैं, जैसे कि वेजेस उसको दे दिया, सैलरी दे दिया, बोनस, लिव इन कैशमेंट एक्सेट्रा, ये चीजें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। दीज आर टू बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेच्युटी फंड, सुपर एनुएशन फंड एटसेट्रा। जैसे कि प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी में या किसी अदर प्रकार के फंड में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसिस सच एज कैंटीन एक्सपेंसिस, मेडिकल एक्सपेंसिस, एक्सपेंशन ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दीज आर ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। तो ये सब क्या है, हमारे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस के एग्जाम्पल है जिनको हम इसमें शामिल करते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस के बिहाफ पर इनमें से बताना आपको कि कौन सा एलिमेंट इसमें आता है और कौन सा नहीं आता है। सो वेजेस इज टू बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस, यस। सैलरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। ऑफिस एक्सपेंस, दीज आर रिलेटेड टू ऑफिस ओनली, सो दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसिस इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस आर जनरली मेड फॉर द कंज्यूमर, सो दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। बोनस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। लिव इन कैशमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस। एंड लास्ट वन एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये भी हमारा शामिल होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में। चलिए आखिरी में हम एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट वन है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट है हमारे पास, फाइनेंशियल कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट एक्सपेंसिस सच एज इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट में हम शामिल करते हैं डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ और प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, दीज आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल कॉस्ट। सो हमने जो है दो हेडिंग्स बेसिकली छोड़ दी हैं, एक तो डी और दूसरी है ओ, हमने डिस्कस कर लिए हैं F, C, P, C, E, F, यहां तक हमने डिस्कस कर लिए दो हेडिंग्स और इसकी एक वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। द
तब तक के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सेम टाइम में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग विद द वर्कशीट। थैंक यू।